नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करी जाए। अब देखिए, आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया है, उसके बाद आप किस चीज़ की पात्रता रखते हैं? आप नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स बनने की पात्रता रखते हैं। अब अगर स्टाफ नर्स पुराना नाम था, नर्सिंग ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वापस एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब नर्सिंग ऑफिसर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स द्वारा कराया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्स के द्वारा जो कराया जाता है उसे नॉर्सेट कहा जाता है। सिमिलरली एनसीएल का होता है, यूपीपीएससी का है, जिपमर का है, हिमाचल का है, बीएचयू का है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं कि हर एग्जाम में पूछे गए अलग अलग सवालों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रोबायोलॉजी में एम्स नॉर्सेट में 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस तरीके से अलग 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 सेक्शंस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके के सवाल आए हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो जैसे ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, या आप ह्यूमन एनाटॉमी पे जाते हैं तो डीएसबीबी के आप क्वेश्चन पे गए हैं, तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि वो क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। यहाँ पे आप ईयर देख सकते हैं और यहाँ पे आप एग्जाम का नाम देख सकते हैं कि ये एम्स बठिंडा में पूछा गया है। फिर आप अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो फिर वो आपको दिखाएगा कि ये किस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरीके से किन किन वर्षों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। जब क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर आपको सारे ही क्वेश्चंस जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पूछे गए हैं अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, उनमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये नहीं है कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये किस सेक्शन में से क्वेश्चन पूछा गया है। पर अगर आप पीछे जाके यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको एक कैटेगराइजेशन क्लियर कट मिलेगा। इसका मुख्य फायदा ये है कि आप हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि चाहे वो क्वेश्चन दिल्ली में पूछा गया है, चाहे एम्स में पूछा गया है, चाहे हिमाचल में पूछा गया है, उस टॉपिक से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और इसलिए बेहतरीन है कि आप उस क्वेश्चन को कर लें। अच्छा, अब अगर आपका मीडियम इंग्लिश नहीं है, किसी भी केस में अगर मान लीजिए कि आपका मीडियम कोई और भाषा रहा है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जाके आप भाषा को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो यहाँ पर इसको हिंदी भाषा में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको सवाल इस तरीके से दिखाएगा कि किस तरीके से आपको वो सवाल आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो हर वर्ष में, जिस वर्ष में दिया गया है, जिस शिफ्ट में वो पूछा गया है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप इस पर क्रॉस दबा देते हैं तो फिर वापस ये आपका पूरा पैटर्न जो है, आपकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी इंग्लिश, उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप सही में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और नर्सिंग के सवाल जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। यहाँ पर क्योंकि आपको इतने सारे क्वेश्चंस का एक कंपाइल्ड फॉर्मेट मिल रहा है, आप अपनी प्रैक्टिस और बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए जैसे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में आपको लगता है कि आप फार्माकोलॉजी में वीक हैं, तो आपको फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, तो आप रादर देन के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, आप ये देख सकते हैं कि किन एरियाज़ में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।